नमस्कार साथियों, स्वामीनाथन एग्नि इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, अपन बात करने वाले इस वीडियो में खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती 2019 की बात हो या 2022 की हो या आने वाली 2024 के अंदर 100 पोस्ट है उनकी बात हो। विशाल धरना प्रदर्शन, आखिर बार बार क्यों धरना प्रदर्शन की जरूरत पड़ रही है, चाहे एग्जाम कोई सा भी हो। पहले चाहे अपने पास में वैकेंसी जारी करवाने के लिए धरना देना पड़ता है, उसके बाद में जो परीक्षा तिथि है उसको जारी करवाने के लिए धरना देना पड़ता है, उसके बाद में जो परिणाम आता है उस परिणाम को निकलवाने के लिए धरना प्रदर्शन देना पड़ता है, और आखिर के अंदर ज्वाइनिंग के लिए धरना प्रदर्शन अपने को करना पड़ता है। आखिर क्यों बार बार इतनी बेरोजगारों को भटकने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कई वैकेंसियां जैसे कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी की 2019 के अंदर वैकेंसी हुई थी, आज तक वो बेरोजगार है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वापिस 2000 अपने पास में 22 में एग्जाम भी हो गया, फिर भी वही कहानी हो रही है। जब 19 वाले की भर्ती की अभी पेंडिंग में पड़ी है, 22 वाली और पड़ी है, अपन चाह रहे हैं कि 2024 में और पोस्ट आएगी, अपन चुप बैठे रहेंगे तो वो भी भर्ती ऐसे निकलते जाएगी। गवर्नमेंट है, चाहे विभाग की बात करूं चाहे मैं गवर्नमेंट की बात करूं, ये ऐसे ही अपने पास में बेरोजगारों के साथ में अन्याय करते रहेंगे। तो अपन बात करने वाले इस वीडियो के एक एक जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं या जिनका चयन हो रखा है, उनको सोशल मीडिया पे कमेंट्स करने से या फिर अपने पास में सोशल मीडिया पे तू जाएगा मैं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा तो क्या हुआ, तू तो जा ही रहना। वैसे कोई की सोच होती है कि मेरे अकेले से क्या होगा, ऐसे करते सारे के सारे स्टूडेंट ऐसे बोलेंगे तो यहाँ कोई नहीं आएगा। वाकायदा विशाल धरना प्रदर्शन है, इसकी जो अपने पास में परमिशन है आयुक्तालय से वो मिल चुकी है, और परमिशन के बाद में ही जो हमारे साथी हैं इन्होंने धरना प्रदर्शन करने का, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने का फैसला किया है। आखिर अपने पास में इसकी बात करता हूं मैं, तो अपने पास में ये दैनिक भास्कर की आज की भी न्यूज है, चयनित खाद्य सुरक्षा अधिकारी 9 को अपने पास में 9 सितंबर को जयपुर में करेंगे धरना प्रदर्शन। मैं चयनित की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने पास में खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती की मैं बात कर रहा हूं। तो अपने पास में 2019 की भर्ती है, 19, 20, 21, 22, 23, 24 चल रहा है आज तक ये भर्ती है जो अपने पास में कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है, ठीक है। ये भर्ती आज तक जो 98 पोस्ट हैं, आज तक इनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है, आज तक कोर्ट के चक्रों में ये जो बेरोजगार साथी हैं वो धक्के खा रहे हैं। इसके बाद में 2022 की बात करूं मैं तो 200 पोस्ट आई थी, आज तक अपने पास में इसका परिणाम है जो वाकायदा जारी कर दिया विभाग ने, जो बोर्ड ने आरपीएससी ने परिणाम जारी कर दिया, लेकिन विभाग की कमियों के कारण कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो अपने पास में चिकित्सा विभाग इसको करवा रहा है तो विभाग की कमी के कारण कहीं ना कहीं ये ज्वाइनिंग है वो अटकी हुई है, क्योंकि आरपीएससी ने अपना काम कर दिया, विभाग और अपने पास में सरकार है इनके मेल जोल से मानो या फिर विभाग की कमियों की वजह से मानो, आज तक इनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है। 2 से 3 महीना हो गया परिणाम आते हुए, लेकिन ये भी भर्ती अपने पास में बार बार कहां पे जा रही है, कोर्ट के अंदर अटकी पड़ी है, इसका भी कुछ नहीं होना यदि आप चुप बैठोगे। इसके बाद में जब तक अपने पास में ये भर्ती कंप्लीट नहीं होगी तब तक अगली भर्ती कैसे आ सकती है, तो जो मेरे साथी हैं वो एफएसओ की तैयारी करें, खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती की तैयारी करें, यदि वो चुप बैठे कि भाई हमारी पास में हमें कौन सी ज्वाइनिंग लेनी है, ज्वाइनिंग तो इनको लेनी है, तो अरे इनका साथ देंगे तभी तो दूसरी भर्ती आएगी अपने काम की आएगी। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती वाले इस धरने के अंदर आए, राजस्थान का जो कृषि का एक एक छात्र है वो इस धरना प्रदर्शन में भाग ले, क्योंकि इस धरना प्रदर्शन की वजह से नहीं जो 2024 के अंदर 100 पोस्टें अपने पास में एफएसओ की आने वाली है, बिल्कुल उसकी अपने पास में स्वीकृति जहां तक मुझे पता है मिल भी चुकी है। आरपीसी 100 पोस्टें निकालेगी, लेकिन निकालेगी कब, जब तक इनको ज्वाइनिंग मिलेगी तभी तो निकालेगी। तो 2024 के अंदर भी 100 पोस्टें खाद्य सुरक्षा भर्ती के आने वाले हैं। अब मैं बात कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे, जो हमारी मांगे हैं उचित मांगे उसको हम सरकार के पक्ष में रखेंगे, कि जो हमारा जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो अपने पास में इसका विभाग है, जो कि देखो कि इसमें हो क्या रहा है, जहां तक मुझे आइडिया है जो डेपोटेशन पे लगे हुए जो पहले से, क्योंकि 2019 तक राजस्थान के अंदर कोई खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती नहीं हुई थी, तो उससे पहले क्या हो रहा था, डेपोटेशन पे लोग लगे हुए, वो उनकी भी मांग मुझे लग रहा है कि सही होगी, लेकिन वो भी तो मेहनत करें, जो हमारे यहाँ पे साथी हैं उन्होंने मेहनत करके एग्जाम दिया है तो वो ज्वाइनिंग क्यों नहीं लेंगे, उन्हीं को तो उम्मीद है कि हमें भी ज्वाइनिंग मिले। आज 2019 वाले छात्र एपीएसओ बने हुए बेचारे भटक रहे हैं इधर उधर, उनका परिणाम नहीं आ रहा है, उसके बाद में 2022 वाला परिणाम आ तो गया तो क्या हुआ, ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, तो मुझे लग रहा है कि डेपोटेशन वाले हैं ये भी चाह रहे हैं कि नहीं इनको ज्वाइनिंग नहीं दी जाए, नहीं इनको ज्वाइनिंग दे दी कि तो हम कहां जाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है, आप कहां जाओगे तो आपके लिए भी 100 पोस्टें और आ रही हैं, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा हुआ होगा,
करें कि नहीं करें, लेकिन अपने को इनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बार बार कोर्ट में भर्ती जा रही है, तो कोर्ट में कौन सामना कर रहा है इस भर्ती का? डेपोटेशन वाले स्टूडेंट ही कर रहे होंगे, जो अपने मित्र लगे हुए वही कर रहे होंगे, लेकिन अपने को इनसे कोई लेना देना नहीं है। अपने को उचित मांगे मनवानी है कि हमें ज्वाइनिंग दीजिए, हमारा परिणाम जारी हो चुका है, वेरिफिकेशन अच्छे से कर चुकी है डिपार्टमेंट, उसके बाद में हमारी ज्वाइनिंग क्यों रोकी हुई है? सरकार से हम इस चीज की मांग करेंगे। इसके लिए बाकायदा अपने पास में परमिशन मिल चुकी है, 9 तारीख की परमिशन दी है अपने पास में, ये देख लो अपने पास में 9/9/2024 को अपने पास में शाम को 5 बजे तक परमिशन है, और परमिशन ये तरीके की मिली, अपने कोई रैली वैली कुछ भी नहीं करेंगे, शांति से धरना प्रदर्शन करेंगे, और सरकार को ये मांग माननी पड़ेगी, जो हमारे साथी चयनित है उनको ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। अभी मैं बोल रहा हूं कि आपने ये सोचा कि आप हमारा दोस्त जा रहा है, मुझे क्या जरूरत है कि वहां पे मैं नहीं जाऊंगा तो क्या होगा? नहीं, ऐसे करेंगे तो यहाँ कोई नहीं पहुंचेगा, और कोई नहीं पहुंचेगा तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना ना, गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आपका चयन हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे ऐसा नहीं हो कि भर्ती लटकती जाए, जब आप कौन सी खेत की मूली हो, 2019 वाली भर्ती को आज 5 साल हो गए, 2018 वाली भर्ती को आज 5 साल हो गए, जब मैं हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि कृषि के बेरोजगार क्यों सोए हुए, मैं बोल रहा हूँ कि 5-5 साल हो गए वैकेंसी को, कहीं ऐसा आप गवर्नमेंट में मत दिए कि दे देंगे ज्वाइनिंग, अब कुछ टाइम बचा होगा, आज भी मैं लिख के दे दूंगा, कल के धरने में आप प्रदर्शन नहीं करोगे, सरकार को जो नहीं चुका पाए तो 5 साल के लिए आप बैठे रहना इस वैकेंसी के लिए भी, जो आप चयन हुए वो भी, और आने वाली भर्ती वाले अपन इनका साथ नहीं देंगे, तो ये अपने पास में सोचे कि आने वाली भर्ती कैसे आएगी जब पहले वाली क्लियर नहीं हो रही है। तो मैं बात कर रहा हूं अपने पास में धरना प्रदर्शन के अंदर, अपने को सुबह प्रातः अपने पास में जयपुर के अंदर, कहां पे? जयपुर के अंदर प्रातः 8 बजे से धरना प्रदर्शन है। स्थान कौन सा है? शहीद स्मारक एमआई रोड के आसपास पड़ेगा, है ना, जो आपका सिंधी कैंप है उसके बिल्कुल सिंधी कैंप के आसपास ही पड़ेगी ये लोकेशन। यदि किसी को हेल्प चाहिए लोकेशन में कहीं पे, तो मेरे साथ ही अपने पास में कुलदीप चौधरी, जो अभी जो एफएसओ 2022 वाली भर्ती है उसमें सिलेक्टेड है, इनके ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इन पे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो कोई लोकेशन की कोई अदरवाइज प्रॉब्लम हो गई तो। ज्यादा से ज्यादा मैं तो अपने पास में देखो कि मैं तो सिर्फ सहयोग कर सकता हूं, धरने में जाके चिल्ला सकता हूं, गला फाड़ सकता हूं, गवर्नमेंट को अपना पक्ष बता सकता हूं कि नहीं आपको झुकना पड़ेगा। आखिर कब तक ये बेरोजगार है जो अपने पास में एग्जाम जो वैकेंसी निकलवाने के लिए भटकता है, उसके बाद में परीक्षा तिथि जारी करवाने के लिए भटकता है, उसके बाद में परिणाम जारी करवाने के लिए भटकता है, और परिणाम के बाद में आखिर चयन होने के बाद में ज्वाइनिंग के लिए आपके पैरों पे यहां आके बार बार धरना प्रदर्शन कर रहा है? ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए और सरकार को झुकना पड़ेगा। लेकिन कब झुकेगी सरकार? जब तक आप और हम सब मिलके जयपुर के अंदर कल जयपुर कुछ नहीं करेंगे। याद रखें प्रातः 8 बजे सबको आना है और अपने दोस्तों को साथ में लेके आना है। ऐसा नहीं है कि चेन हो वो वही आए, नहीं, साथ में मैं वापस बोल रहा हूं, नई एफएसओ की वैकेंसी आने वाली है, 100 पोस्ट है, जब तक अपने पास में ये भर्ती क्लियर नहीं होगी तब तक 100 पोस्टों की आप भी आस मत करना। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, मैं ज्यादा कोई क्लास नहीं आप शेयर करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप के अंदर और आपके दोस्तों के पास में आप भेजें, ताकि एक एक स्टूडेंट हो जागरूक होके कल सुबह प्रातः 9 बजे 8, 8:30, 9 बजे तक आप पहुंचे और जयपुर के अंदर अपनी मांग, जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती की पुरानी 2000 अपने पास में 19 वाली भर्ती हो, 2022 वाली हो और आने वाली 2024 की भर्ती है, इसका साफ रास्ता करने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सभी लोग पधार रहे। आप सभी का धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें।